गुड मॉर्निंग बच्चों, चलते हैं आगे की अपनी जो कहानियां हैं उन्हीं के ऊपर। तो कल अपन ने बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो किए थे, सही है? उन्हीं क्वेश्चंस में से अपन आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा एक और आपको डायग्राम, यहाँ पर एक रिंग सी बनी हुई है, सही है? इस रिंग की जो रेडियस है वो शायद दिख रही होगी, यहाँ पर आपको कैपिटल आर यहाँ पर प्लेस है। इस रिंग का जो अपने पास में जो मास है वो है अपने पास कैपिटल एम, सही है? एक बच्चा बैठा है, इसको हंसी आ रही है हमारे। चलो, मास है अपने पास में कितना, कैपिटल एम, सही है ना? चलो बढ़िया है। अब इसका जो सेंटर है, किसका, इस रिंग का, इस रिंग के सेंटर से ये अपने पास में कितने डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है। इस एक्स डिस्टेंस पर एक और मास है छोटा सा, ये है एम डैश, दिख रहा होगा डायग्राम में शायद। तो इस रिंग और यहाँ पर जो ये पॉइंट सा छोटा सा मास रखा हुआ है एम डैश, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी जो मोशन है उसको अपने को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अब क्या करें, कल जैसे बहुत सारे जो 2 या 3 क्वेश्चन कर रहे थे उनमें बताया था कि कैसे करना होता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, गाना गाते हैं अपन, तो क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, सही है ना? बताओ क्या करें। कल की बातें याद करो, जब इस तरह की कंडीशंस कहीं पर मेंशन होती है तो सबसे पहली चीज क्या होती है, एक छोटा सा, क्या मानते हैं अपन, अल्पांश, या एक छोटा सा क्या मान सकते हैं, एलिमेंट मानते हैं। क्यों माने, क्योंकि तो एलिमेंट को एज अ पॉइंट मास अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर 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 दिख गया होगा ये ऊपर, सही है? एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ये हो गया डी एम, डी एम डी एम, कल भी लिखा था डी एम। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो है इस पे वैलिड होता है केवल एक पॉइंट मास का, और जो डी एम है ये अपना यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट को एज अ पॉइंट मास अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जो एलिमेंट है यहाँ पे डी एम, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी तो होगी, उसको अपन ने क्या कंसिडर कर लिया है यहाँ पर, डी वाई, डी वाई, उस एलिमेंट की छोटी सी लेंथ को, सही लिखा? अब इस एलिमेंट की वजह से क्या निकालना अपने को, इस मास एम के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स। चलो निकालो, कैसे निकालें, तो आपको पहले भी कहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कहाँ मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन में। हीरो हीरोइन वाली कहानी याद करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये अपने ड्रॉ करिए, डिग 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 डिग, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए अपन, सही है? यहां से यहां तक लाइन क्या कर दी, ड्रॉ करी। क्यों करी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगता है, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग, कहां से, स्ट्रेट लाइन पर। चलो अब डायरेक्शन बनानी है अपने को, वो कैसे बनानी है, यहाँ पर टिशम, ये अपन ने क्या बना दी, अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन, जिसको कहते लिख दिया डी एफ। इसकी जो वैल्यू आएगी डी एफ की कितनी आएगी भाई, लिखो बताओ क्या लिखें, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा यार इधर आके क्या लिखें, इन दोनों का मल्टीपल और नीचे डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जी डी एम, और ये साथ में ये एम डैश हो गया, यहाँ पर नीचे आएगी अपने पास में डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मास, बताओ कितने डिस्टेंस आएगी, कैसे निकाले। तो दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा, इस जगह पर ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पढ़िए 9th में खूब, रखोगे यहाँ पर तो नीचे कितना बचेगा, सिंपल आर स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ चला गया भाई साहब, क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, यहाँ क्या आता है स्क्वायर, गायब हो गए, कितना बचा केवल आर स्क्वायर प्लस सिंपल सा ये एक्स का स्क्वायर, सही है ना? चलो अब
यहाँ पे जो फोर्स है, 11th क्लास में जाओ थोड़ा सा, कि जो फोर्स है वो ना तो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है और ना कहाँ पर वाई एक्सिस आ रहा है। अगर ढंग से दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये जो फोर्स आ रहा है किसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, ये एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल के ऊपर से जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए इसको अपन एंगल को क्या मान लेते हैं यहाँ पर, फाई। क्यों मान लेते हैं, कल भी ये बात आई थी, अगर आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी कैसे आती है, कैसे आती है भाई, किसी एंगल पे आ जाती है, तो हमेशा क्या लेने होते हैं, कंपोनेंट्स। इसलिए क्या कर लिया यहाँ पर, एक एंगल क्या कर दिया, फाई यहाँ पर कंसिडर कर लिया। सही है ना, सिंपल सा एंगल है, कितना हो गया अपने पास में, ये फाई। चलो आगे, अब इसके लिए ये था फोर्स, कौन सा, ये वाला ऊपर वाले एलिमेंट के लिए। अब इस रिंग को अगर देखें तो ऊपर और नीचे एक क्या बन रही है, यहाँ पर सिमेट्री सी बन रही है। ऐसे एक और एलिमेंट यहाँ पर नीचे, इसके नीचे क्या करना अपने को, कंसीडर यहाँ पर नीचे वाले पार्ट पे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, क्यों करिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा दोनों के बीच जो दूरी होती है उसी पे काम करता है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये लाइन ड्रॉ कर दी, डिग 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 डिग, कहाँ तक, यहाँ तक कर दी, नहीं है, ये भी अपना क्या हो गया, एलिमेंट नीचे डीएम, सेम टू सेम ऊपर जैसा वैसा वैसा, कहाँ पे लिया है, नीचे की ओर। ये एंगल भी अपने पास में कितना हो गया था, वो सा ऊपर फाई है, तो नीचे भी कितना हो गया यहाँ पर, फाई। चलो डिस्टेंस सेम टू सेम वैसे की वैसी होगी, इसके ऊपर भी जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इधर की ओर, बड़े मजे से बुलाएगा इधर की ओर, ये कितना हो गया यहाँ पर, डी एफ। सही है, तो एक डी एफ ऊपर हो गया, एक डी एफ कहाँ पर हो गया, नीचे, इस एलिमेंट की वजह से, एक उस एलिमेंट की वजह से। आया तो पता नहीं, ऊपर से ज्यादा दिखेगा, तो ये डी एफ हो गया, ये डी एफ हो गया यहाँ पर। चलो अब यहाँ पे जो दो फोर्सेस हैं, एक ऊपर है, एक ये फोर्स की जो वैल्यू है वो इतनी है, लेकिन फोर्स कहाँ पे आ रहे हैं, एक एंगल पर। और जब एंगल पर फोर्स आ जाता है तो पता ही है क्या करना होता है, क्या करना होगा भाई, हमेशा क्या लेना है अपने को यहाँ पर, इसके कंपोनेंट्स। चलो कंपोनेंट्स लेते हैं यहाँ पर, तो कंपोनेंट्स कैसे लेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी, डिग 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 ऐसे, और ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और ये अपन जानते हैं एक्स एक्सिस को। जब इसके कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा अपने पास में, टेम 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 टेम, समझ गए, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, इसका यूँ ऊपर, तो ये कितना आएगा, डी एफ। क्या लिखूं, फोर्स है साइन, आप लिख दो कुछ भी, काहे बार बार जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा होता है वहां क्या लिखते हैं हमेशा, कोस। यहाँ कितना आएगा, डी एफ, सॉरी ये कितना हो गया, कॉस फाइव। सिमिलर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये डी एफ कॉस फाइव, दिख रहा है डायग्राम में, नहीं दिख रहा, चलो इसका वर्टिकल, ओ यहाँ से यू, यहाँ से यू, यहाँ से यू, ऐसे यहाँ पे यू यू यू, इसका जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा यहाँ पर, डी एफ साइन फाइव, सी मिलर इध का इधर, तो ये आ जाएगा डी एफ, और ये कितना हो जाएगा, साइन फाइव। चलो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एक आ गया कोस, एक आ गया साइन, एक आ गया कोस, एक आ गया साइन, क्या खास बात दिख रही है भाई साहब। तो साइन कंपोनेंट्स, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन का ऊपर, ये साइन का नीचे, क्या होगा, एक ही डायरेक्शन ऊपर है, एक ही डायरेक्शन इधर है, और दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो जो वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, जीरो। सही लिखा, क्यों आया जीरो, एक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, एक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर, नीचे है, दोनों, एक उधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, भाई साहब कहाँ जाऊँगा मैं, कहीं जा रहा, जहाँ हूँ वहीं, तो वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो अगर ढंग से आप देखें एक्स डायरेक्शन के अंदर, दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो कॉस कॉम्पोनेंट्स हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर कॉस कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन कहाँ पर, टुवार्ड द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग रिंग रिंग, वो घना नहीं, रिंगा रिंगा, यहाँ पे सिंपल रिंग के सेंटर। यहाँ पर जो ये एम डैश पार्टिकल होगा, इसकी जो मोशन होगी वो कहाँ जाएगी, सेंटर की ओर, किधर, रिंग के सेंटर की ओर।
अब यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब बातें बात की है। जब ये इधर जाएगा स्पीड क्या होगी, पहली चीज, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कितने टाइम सेंटर पर पहुंचेगा, वो भी नहीं निकालना। अभी सिर्फ क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, फोर्स निकाल रहे हैं, वो सब बातें फिर बात की बातें हैं। सही है। तो जो आपका इस रिंग पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उस रिंग के अट्रैक्शन फोर्स में जो मेन पार्ट शो करेगा, वो फोर्स कॉम्पोनेंट क्या करेगा, शो करेगा। समझे? चलो, तो नेट फोर्स जो अपन मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, नेट फोर्स, तो केवल और केवल किसकी वजह से होगा, इस फोर्स कंपोनेंट की वजह से। अब जितने भी फोर्स कंपोनेंट्स होंगे, इन सारे फोर्स कंपोनेंट्स को क्या करना है अपने को, ऐड करना। यहाँ भी एलिमेंट होगा, यहाँ भी 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 होगा, सब जगह पे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। उन एलिमेंट्स का साइन साइन तो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल कोस कंपोनेंट। सही है ना? ये जो कोस कंपोनेंट है, ये अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसके अंदर जो बचेगा अपने पास में, यहाँ पर जो मेंशन किया, ये आ गया डी एफ, और ये कितना हो गया यहाँ पर, ये कोस फाई। सही है कि नहीं है? चलो, तो ये नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई है अपने पास में, डी एफ, और साथ में कितनी आ गई यहाँ पर, ये कोस, और साथ में कितनी आ गई, फाई। चलो डी एफ की वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पर, डी एफ ने, डी एफ ऊपर लिखा हुआ अपने बगल में, तो ये जी डी एम, और ये कितना हो गया, एम डैश, नीचे अपन जानते ही हैं ये आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है भैया, मौज लग रही है, क्या करें। ये कितना हो गया साथ में, कॉस फाई, दिख रहा है ना, सिंपल सा कॉस फाई हो गया। अब ये जो फाई वाई है, तो मैंने खुद नहीं माने भाई, निकालने पड़ेंगे। तो दिख रहा होगा ट्राइंगल भाई, ऊपर 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 दिख रहा है, क्या होता है कॉस फाई बराबर, कॉस की वैल्यू, कॉस बराबर हमेशा कितना होता है, आधार, वही बेस, बेबी को बेस पसंद है भाई, तो आधार बटे कर्ण, दिख रहा होगा भाई साहब, ये आधार है एक्स, कर्ण अपने पास में कितना है, ये ऊपर वाली टर्म्स, तो ये जो कॉस फाई है, ये कितना अपने पास में, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सही है? उठा के इसको, उसको कहाँ पे रखो, यहाँ पर। तो ये एफ नेट की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, चलिए रखिए, ये अपने पास जी डी एम, और ये एम, ये आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर में कितनी हो गई, ये हाफ। सही है? हो बाप रे, बहुत बड़ी संख्या हो गई ये, तो बड़ी नहीं छोटी सी है। अब अगर ढंग से देखें, ढंग से, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, इन भाई साहब की इस जगह पर कितनी पावर आएगी, तो पावर कितनी जाएगी अपने पास में, 3/2। तो ये एफ नेट में जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी अपने पास में, ये जी डी एम, और ये अपना एम डैश, नीचे यहाँ पर ये आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये साथ में पीछे क्या बच गया, एक्स, ये वाला एक्स। सही है? अब आते हैं आगे, ये अपना उस एलिमेंट की वजह से जो भी कहानी थी, कंपोनेंट करके बाद में ये वैल्यूज आ गई कितनी, जी डी एम, लेकिन ढंग से देखो इसमें, डी एम डी एम डी एम डी एम डी एम, यहाँ पर दिख रहा होगा ये छोटा सा, छोटा सा मेरा मदन गोपाल वही। तो ये है अपने पास डी एम, मैंने कल भी एक बात कही थी, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो ये डी एम हमेशा निकालना पड़ेगा। तो रिंग है, रिंग का पूरा मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी सर्कमफ्रेंस पर, यानी इस पूरी सर्कमफ्रेंस पर इसका मास बड़ा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर पूरा का पूरा, सारे एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखो फर्स्ट नंबर, जब आपकी सर्कमफ्रेंस लेंथ कितनी है, 2πr, तो 2πr में कितना मास है, एम, बहुत अच्छी बात है, यूनिट मास, गोली बिस्कुट अपना
कितना मास होगा? चलिए m अपॉन 2 पाई r, सही है। कितना मास होगा? केवल m अपॉन में 2 पाई r, सही है। अब इस एलिमेंट की लेंथ कितनी, लेंथ कितनी है यहाँ पर? dy है अपने पास में, तो dy में कितना मास होगा भाई? मल्टीप्लाई करो रे यार, m अपॉन ये कितना हो गया 2 पाई r, और ये कितना आ गया अपने पास dy, सही है। तो इतने लेंथ के अंदर ये अपने पास मास की वैल्यू आ गई, शायद दिख रही होगी यहाँ पर ढंग से जोर से। तो ये अपने पास में क्या आ गया? dm की वैल्यू। अब इस dm की वैल्यू इसमें रखिए, किसके अंदर? दिस इक्वेशन के अंदर। हाँ यार, गर्मी से पेन ही सूख गया बेचारा। सही बात है, गर्मी से कौन कौन ही सूखा। चलो रखो इसके अंदर, जब रखेंगे तो ये g और ये m, m डेस वहां पे पहले से है ही सही, x वहां पे पहले से है ही सही, और ये इसका dy। चलो लिख दिया dy, यहाँ पहले ये टर्म तो है ही सही, दिख रही है यहाँ पे शायद, ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर में कितना हो गया? अब थोड़ी बाई टू, और साथ में क्या आएगा? ये 2 पाई r कहाँ जाएगा? तो मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 पाई r, सही है। यहाँ तक आ गया, चलो चलते हैं आगे। ये अपने पास वो, बाप रे लंबा थोड़ा सा फॉर्मूला बन गया, बताओ अब क्या करें। अब ये उस एलिमेंट की वजह से सारा फोर्स निकाल लिया अपने, सब कुछ बातें हैं, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? टुवार्ड द सेंटर ऑफ रिंग। अब क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना, सबको, जितने भी एलिमेंट सबको जोड़ना है, सबके फोर्सेस को क्या करना है? जोड़ना है। अपन जानते हैं यहाँ शुरू होंगे, यहाँ शुरू होते होते पूरा एक साइकिल घूम के यहाँ तक आएंगे, जुड़ जाएंगे सारे एलिमेंट। तो शुरू में यहाँ पे जो डी वाई, अगर इसका समाकलन करें, चलो जगह नहीं बची मेरे पास, कोई बात नहीं, यही करते हैं थोड़ा सा। तो अगर इसी का ही अपन थोड़ा सा समाकलन करें, तो यहाँ पर तो समाकलन करने के बाद में ये जो एफ नेट है, ये सब बाहर आ जाएगा भाई साहब, जी एम, ये एम डेस, और ये एक्स, और ये आर स्क्वायर प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? ये 3/2 मल्टीप्लाई में भी तो एक भाई साहब और है भाई साहब, ये 1 अपॉन में ये 2 पाई आर, और पीछे क्या लिखा हुआ है? ये डी वाई। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया? डी वाई का। ये सब बाकी पे क्यों नहीं लगाया? अरे ये तो फालतू है यार, मेरे को डी वाई कल भी बताया था, ये चीच के कहता है जिसके आगे लगा हुआ है डी डी, यानी मेरा नाम लगा हुआ है किसी के आगे, तो चीच के कहता है क्या करो समाकलन। तो किसका करना है? केवल डी वाई, सारे एलिमेंट्स को इस पे अगर लगा भी दो बाहर तो आना ही आना है तो वैसे भी। अब डी वाई का समाकलन कितना होगा? तो चलो डी वाई मतलब इस एलिमेंट के लिए सारे एलिमेंट्स को जोड़ते हुए जाएंगे। जब सारे एलिमेंट्स को अपन जोड़ते हुए जाएंगे तो जो ये डी वाई की वैल्यू आएगी, तो कितना घूमेंगे भाई साहब अपन? 2 पाई आर, सही ना। यहाँ से जोड़ते चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, तो पूरा एक सर्किल घूम जाएंगे। एक सर्किल में जो लेंथ आएगी कितनी आएगी? कितनी? 2 पाई आर, सही है। तो जो इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी इसकी, वो कितनी आएगी? 2 पाई आर। चलो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो जो डायग्राम है से मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा पहले, मजबूरी भाई क्या करें। तो ये अपन ने थोड़ा सा डायग्राम को क्या कर दिया, यहां से मिटा दिया, डायग्राम है डायग्राम नहीं है। चलो तो जो एफ नेट अपने पास अब जो बचेगा, इसी के अंदर इसकी जगह पे क्या मेंशन करेंगे? केवल 2 पाई आर। एफ नेट जी एम, ये एम डेस हो ही गया, एक्स यहाँ पर ये है ही सही, सही है, बहुत अच्छी बात है। नीचे यहाँ पर क्या है? आर स्क्वायर प्लस में ये कितना हो गया? एक्स का स्क्वायर, सही है। इनटू में यहाँ अपन जानते हैं ये कितना है? 2 पाई आर। पावर यहाँ अपने पास ये 3/2 है ही सही, और इसका जब इंटीग्रेशन किया तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई आर। ऊपर भी 2 पाई आर, नीचे भी 2 पाई आर, दोनों
ये इससे मर जाएगा, ये इससे मर जाएगा, दोनों मर गए हैं। कितना बचा भाई? तो लास्ट में बचेगा जी एम एम डेज, नीचे अपने पास क्या बचेगा फिर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पावर अपन जानते ही हैं यहाँ पर, ये 3/2 और ये डॉट में कितना हो गया, एक्स। सही है, डॉट में अपने पास में क्या आ गया, ये एक्स आ गया। चलो तो दिख रहा होगा यहाँ पर एफ नेट, ये अपने पास क्या बनेगा भाई साहब, इस विंग के लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको रिमेम्बर भी होना चाहिए, यू शुड बी रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ये डायरेक्टली अपन को क्या करना है, कई जगह पे यूज करना है, इतना टाइम नहीं होता कि इसको अपन निकाल सकें, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखें। सही है, चलो ये वाला डायरेक्शन कहाँ पर है फोर्स की, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ, सॉरी अर्थ क्या, सेंटर ऑफ रिंग के लिए। अब इस पर कई बार अपने जो एग्जाम्स हैं उनमें कई बार इस पर छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाए बने हुए आते हैं, तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से फॉर्मूले में कुछ नहीं दिया जाएगा, ये वैल्यू एक्स आपको गिविन होती है, एक्स की वैल्यू रखिए और सोल्व करिए, आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा बड़े आराम से। तो याद रखना है इसको, इस फॉर्मूले को। अब इसी के ऊपर एक छोटा सवाल पहले पूछा गया था एक बार, छोटा सा ही है, ओपन करते हैं पहले, चलिए करते हैं एक छोटा सा सवाल और कुछ नहीं। यहाँ पर ये एक रिंग है, इस रिंग का जो मास है अपने पास में ये कितना है, एम है। ऊपर भी एक रिंग प्लेस कर रखी है और ये इसकी जो रेडियस है ये कितनी है अपने पास में, ये आर। इसके सेंटर से डिग 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 कहाँ तक, यहाँ तक एक भाई साहब है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने पास में कितनी है, क्यू आर। दोनों का मास अपने पास में ये क्या है, इक्वल दिया हुआ है अपनी सब बुकों के अंदर, एसी में भी दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, वही अट्रैक्शन जो फोर्स है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। सब पता ही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होने के बाद में क्या कर दो उसके ऊपर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो थोड़ी देर पहले कहा रिंग की वजह से क्या होता है, फोर्स एफ की वैल्यू कितनी होती है, जी एम एम डैश, नीचे ये होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में कितनी होती है, 3/2। मजा आ गया। और डॉट में कितना होता है, ये एक्स। क्या करें भाई, ये तो रेडियस है ही सही, दोनों के मास इक्वल है ही सही, करना क्या है, अगर दोनों को ढंग से देखो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर कितनी है, तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर केवल एक्स की वैल्यू कितनी रखनी भाई, 2r रखनी है। सही है, तो रखो इसके अंदर, तो ये एफ की वैल्यू कितनी है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जी एम स्क्वायर, नीचे अपन जानते ही हैं ये आर स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, ओ भाई 4r2, 4 कैसे हो गया, स्क्वायर है बेटा उसके ऊपर, यहाँ पावर 3/2 और ये डॉट में कितना हो गया, 2r। ये चार भैंस है, ये एक भैंस दोनों को जोड़ दो, तो ये अपने पास में ये जी एम स्क्वायर, नीचे ये 5r2 की पावर, ये अपने पास 3/2, डॉट में कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक है, अरे सो अब कैसे खबर, हमको तो आता ही नहीं। आगे 10th पास है, सेल्फ सोल्व का वही आसान काम है, 5 की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आर के सो आर की पावर 3 बाहर, चलो मैं कर देता हूँ। चलो ऊपर तो जी एम स्क्वायर है उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जैसा का जैसा, यहाँ पे 5 की पावर 3/2 और नीचे यहाँ पे क्या आएगी, पावर आर की पावर 3, ऊपर 2r है ही से, एक आर से आर मार दो, तो ये 2gm² ऊपर बचेगा, यहाँ बच जाएगी 5 की पावर 3/2 और नीचे बचेगा ये r² है। ये
तो ये क्या बचेगा अपने पास फाइनल में फॉर्म्यूला, इधर की ओर लिखें कॉपी के अंदर, करें करेंगे जब भी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आपके लिए भी एग्जांपल दे रखा है बेटा, पापा सिर्फ समझदार हो सर, शादी कर सकते हैं, समझ जाओ आगे। चलो क्वेश्चन था, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल को ज्ञात करना, तो फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट पुट करिए, निकालिए और सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इसी कंसेप्ट पर आधारित अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर, और कल से अपना जो टॉपिक है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन थे जो सारे कर लिए लगभग, उन्हें बहुत सारे हैं, चलिए करते हैं अपन। क्वेश्चन वही है, सिंपल सा, लगाते हैं अपन दिमाग थोड़ा सा, लग जाए तुम्हारा। चलो भाई, पेन की शाही खत्म होगी भाई। ये अपने पास में एक पहले फुल रिंग बना रखी थी, यहाँ पे क्या हो गया, एक रिंग तो है लेकिन आधी सी है। अब इस पूरी का यहां से लेकर यहां तक जो अपने पास मास है, ये है एम, वही एम फॉर मम्मा, सही है। ये इसका सेंटर है, इस सेंटर पर ये सेंटर है अपना ओ, इसके ऊपर आपने क्या कर रखा, मैं सवाल में एम डेस इक्वल टू 1 kg का मास, 1 kg का मास प्लेस किया हुआ है, ओनली 1 kg का मास क्या कर रखा है, प्लेस किया हुआ एट द सेंटर, सही है। चलो तो वो क्या निकालना है, इसकी वजह से यानी ऊपर जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पर एम मास का हाफ सीरिंग है, और ये 1 kg का जो मास है इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आपको निकालना है, और इसकी जो रेडियस है ये अपने पास में कितनी है, ये है आर, ये अपनी यहाँ पर गिविन वैल्यूज है, सही है। एम मास की है, हाफ रिंग दिख रही है यहाँ पर, रेडियस आर है, इसके सेंटर पर एक यूनिट मास रखा हुआ है 1 kg का, और उस 1 kg के मास पर क्या निकालना अपने को, अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। क्या करें भाई बताओ, डांस करें, गाना गाएं, क्या करें क्या ना करें, कुछ तो करें, लॉकडाउन है भाई, बताइए क्या किया जाए। अभी पुराने जो क्वेश्चन थे उनमें भी ये कहानी थी, क्या कहा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने क्या कहा, सबसे बेस्ट वे फर्स्ट नंबर क्या करना है, एक छोटा सा क्या मानना अपने को, एक एलिमेंट, क्यों मान सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट एज अ पॉइंट मास अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, कहाँ पे, यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे, इस जगह पे अपन ने एक एलिमेंट ले लिया, कितने का, ये डी एम, सिंपल सा एलिमेंट लिया है, कितने का डी एम ले लिया, तो ये ना अभी जो डी एम एलिमेंट, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्थ मिला हुआ आपस भाई, पहले की जगह टिक डिक 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 कहाँ तक, यहाँ तक मिला दिया अपन ने, जैसे ये डिक 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 कहाँ तक, यहाँ तक मिला दिया अपन ने, ये एलिमेंट का इनिशियल पॉइंट हो गया, ये एलिमेंट का फाइनल पॉइंट हो गया, ये अपन जानते हैं कितनी होगी भाई साहब, आर, एडी सी तो है, कितनी होगी सेम टू सेम, ये कितनी जाएगी अपने पास में आर। अब ओहो मर गए यहाँ तो वापस, कि भाई साहब जब इस एलिमेंट की वजह से अपन फोर्स निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे आएगी, अपन जान दें ऐसे तो आएगी यूं पी यूं, ओ भाई साहब तीर दिल के आर पार हो गया, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गई, कितनी आ गई, ये डी एफ, ओ भाई खतरनाक, ये बना दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बनाओ भाई साहब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वैल्यू लिखो इसकी, लिखो रे भाई कितनी आएगी, वही किसी भी पहले की तरफ दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो कितनी आएगी जी, ओनली डी एम, और नीचे अपने पास में कितना आएगा, ये आर स्क्वायर, चाहिए वो भाई कहाँ की, ये कहाँ गया, एम डेज तो कितना है 1 kg का, 1 kg हीर मोहन है गंगापुर के तुम्हारे, तो ये 1 kg गायब, इसलिए कितना लिखा, केवल जी डी एम अपॉन में कितना हो गया, ये
आर का स्क्वायर। अब दिक्कत यह है, ये जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है यहाँ पर बार बार आ रहा है हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, ये एक्स के अलोंग भी नहीं आ रहा ना ये वाई के अलोंग डायरेक्शन में आ रहा है, सही है ना। तो अब क्या करें भाई साहब, जब ये एक्स के अलोंग भी नहीं है वाई के अलोंग भी नहीं है तो क्या करें। कई बार कहा है मैंने, बार बार कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, जब इस तरह की कंडीशन बन जाएगी तो क्या करेंगे अपन, हमेशा एक छोटा सा कि अपना क्या हो गया, एंगल अपन ने मेजरमेंट कर लिया अपनी इच्छा से कितना हो गया फाई, तो यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा डी फाई, सही है ना। क्योंकि ये जो एलिमेंट है कितने फाई पे, थोड़ा सा आगे चलो कितना होगा डी फाई छोटा सा। जब आपको ये पता, और ये आपको पता एंगल आपने मेजरमेंट कर रखा कितना डी फाई, तो इस एलिमेंट की जो लेंथ है ये लेंथ पेपर निकाल सकते हैं आसानी से, कितनी आर डी फाई। ओ ये खांसी आ गई भाई, खांसी आई, ये रात से हम सपने में आए और कुछ कर गए, क्या कर गए भगवान जाने क्या करा भाई, कैसे आई पढ़ा होगा। ये क्या है चाप, चाप बराबर क्या होता है कोण इनटू त्रिज्या, तो कितना बन रहा है डी फाई, त्रिज्या कितनी है आर, समझ जाओ आगे कितना हो गया आर और साथ में कितना हो गया डी फाई। हर बार अपन यही गाना गाते हैं इस डी एम की वैल्यू निकालो, हर जगह निकालनी हो तो यहाँ पे अगर ढंग से देखो तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा डायग्राम के अंदर, यहाँ पे एलिमेंट ऐसे बहुत सा भाई एलिमेंट है यहाँ पर है, कमी नहीं थोके भाव में सही है। तो यहाँ पर डी एम निकालना है, कैसे निकालेंगे डी एम, चलो पहले सारा मास किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है इसकी सर्कमफ्रेंस में, तो पहले लेंथ कितनी होगी इसकी पाई आर, इनिशियली जो लेंथ आनी है अपने पास में ये कितनी हो जाएगी पाई आर, तो पाई आर में कितना मास, ओह एम है, पाई आर में कितना मास है एम, यूनिट एक रुपए में कितना होगा, एक रुपए में होगा अपने पास एम अपॉन में ये कितना हो जाएगा भाई पाई आर, एक रुपए में, एक रुपए में आजकल कुछ नहीं आता है एक रुपए में, जेर भी नहीं आता खाने को, लेकिन यहाँ तो आ रहा है भाई। अब जो एलिमेंट अपन ने कंसिडर कर रखा है ये यहाँ पर, इस एलिमेंट का मास निकालो, तो अपन जानते हैं लेंथ कितनी है इसकी आर डी पाई, तो मेरे पास इतने में इतना, इतने में इतना, तो कितना आर डी फाइव में कितना आ जाएगा एम अपॉन पाई आर मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा आर डी फाई। ओ कुछ कटा, इसको इसको मार दो तो आपके पास में कितना आएगा भाई डी एम बराबर, कितना आया आर से आर उड़ गया, कितना बचा एम अपॉन पाई, और ये कितना बच गया यहाँ पर ये डी फाई एम अपॉन पाई साथ में डी फाई, क्या बात है। चलो उठा के इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे प्लेस कर दो, तो ये अपने पास में कितनी आ गई डी एफ इक्वल टू जी, डी एम की वैल्यू कितनी एम अपॉन पाई, ओहो तो ये एम अपॉन पाई किसी को भी नहीं पाई कुछ भी, आर स्क्वायर में है ही सही पहले से, और ये क्या हो गया डी फाई, तो पीछे अपन ने लिख दिया है बेटा डी फाई, ये अपनी इक्वेशन हो गई वन। तो डी एफ एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जी एम पाई आर स्क्वायर डी फाई क्या हो गया अपना फोर्स आ गया, लेकिन किसकी वजह से आया छोटी छोटी से एलिमेंट की वजह से, जैसे अपने छोटे छोटे से मदन गोपाल होते हैं ना वैसे ही छोटा सा फोर्स आया है, तो अभी अब सारों को जोड़ो सही है, यहाँ से लेको यहाँ से लेको यहाँ से लेको यहाँ से सब एलिमेंट्स को जोड़िए, लेकिन जोड़ने से पहले वही घिसी पिटी कहानी, क्या दिख रही है यहाँ पर सिमेट्री दिख रही होगी, तो सेम अगेन सेम टू सेम, यहाँ पे भी एक में छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, यहाँ से लाइन मिलाई मैंने डिग 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 ऐसे ऐसे लाइन मिला दी है डिग 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 डिग, सही है कितने एंगल पर ये वही अपने पास फाई हो गया, सेम ऐसे ही ये अपने पास वही डी एन समझाने के लिए ये कितना हो गया ये डी फाई, सही है सिमेट्री, एक एलिमेंट इधर है एक एलिमेंट इधर है। अब इसका भी जो फोर्स है वो कहाँ पर है भाई साहब, इधर वही डी एफ,
अब अगर हम से यहाँ पर इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस तरफ यहाँ पर देखो तो ये सेंटर है अपना ओ, सही है। एक फोर्स जो डी एफ है वो कहाँ पर है, तो ये अपना हो गया कितना डी एफ, कितने एंगल पर है, ये है अपना पाई। इस एलिमेंट की वजह से दिख रहा है ये सेम ऐसे ही। एक फोर्स कहां पर है, इधर, ये कितना हो गया अपने पास डी एफ, सेम टू सेम, ओ सॉरी, कितने एंगल पर, ये हो गया फाइव पर, सही है ना। तो इस तरह से अगर देखें तो दो फोर्स काम कर रहे हैं और ओवर दिख रहे हैं। अब बार बार एक ही बात आ रही है, जब भी अपने पास में फोर्स एंगल्स पे काम करता है तो फोर्स जब एंगल्स पे काम करेगा तो अपन हजार बार के रखा है क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट लेते हैं, ओ भाई घटक लो घंटक, तो बार बार नहीं दिमाग में ठूसो ठूसो, बादाम खा के ठूसो या कुछ और खा के ठूसो, ठूसो इस बात को, कंपोनेंट्स लेंगे इधर, तो इधर कितना आएगा, ये हो गया डी एफ कॉस फाई, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो एक आएगा इसका इधर, ये हो गया डी एफ साइन फाई, ये ना सेम टू सेम इसका भी लेंगे, तो इसका जब इधर लेंगे तो कितना हो गया डी एफ कॉस फाई, इसका भी लेंगे, अगर कॉम्पोनेंट लेंगे ये नहीं तुम किसी और का कुछ लेने लग जाओ, ये डी एफ और ये कितना हो गया साइन फाई। अब डायग्राम में दिख रहा होगा इस वाले के अंदर, वो भाई इधर वाला कोस इतेकू, ये इधर को दिख रहा है डायग्राम में, तो कोस कोस यानी जो कोस कहां पर है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, कितना हुआ जीरो, ये तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया अपने पास में जीरो, तो समझे यहां तक। और आपका जो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में है वो कौन सा है, लिख रहा होगा डी एफ साइन फाइव, यानी कि आपको केवल और केवल कौन से साइन वाले जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलते हैं आगे, तो ये हो गया वाई दिशा में, ये हो जाएगा F net, ये कितना आएगा केवल DF, और ये अपने पास कितना हो गया ये साइन पाई, सही है। लिमिट लेनी है अपने को, गति लगे भाई तो सोचो यहाँ जोड़ना, चलो 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 यहाँ तक एंगल जोड़ना, कितना आ जाएगा जीरो से घूमेंगे तो कितना एंगल बनेगा केवल पाई का, सही है। तो ये एफ नेट रखे उठा के यहाँ पर, तो ये जीरो से पाई चलिया, यहाँ चलना शुरू करे जीरो यहाँ तक, तो पाई का एंगल बनेगा। डी एफ की वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, तो जी एम अपॉन ये पाई आर स्क्वायर है, सही है। और ये साइन फाई अपने पास है ही सही यहाँ पर, और डी फाई तो महा हो पहले से है ही सही, कौन कौन फालतू है, जी एम अपॉन फाई आर स्क्वायर, जी एम अपॉन फाई आर स्क्वायर बाहर ले लो, यहाँ पर एफ नेट जी एम अपॉन फाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कि फालतू है, फालतू लोग घर में नहीं होते कभी, और अंदर कितना बचेगा जीरो से पाई, ओहो जीरो से पाई, चलिए जीरो से पाई कहाँ से ले कहाँ तक, अंदर कितना बचा ये साइन फाई और ये डी फाई, ये क्या कहता है सांप को, ओ करो क्या समाकलन किसका, जो इस सांप के अंदर है कौन, साइन, साइन का समाकलन कितना होता है माइनस कोस फाई। एफ नेट जी एम अपॉन ये हो गया पाई आर स्क्वायर, सही है, साइन का समाकलन तुम जानते हैं प्रत्यार से कितना होता है माइनस, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया मेंशन, अंदर क्या लिख दिया कोस पाई, ये जीरो से पाई, आगे मैं नहीं करूंगा क्योंकि जानते होंगे अपन
एक बार ऊपर वाला रखो, एक बार नीचे वाला, लिमिट में रखना है, कुछ और नहीं रखना भाई। तो एक बार कॉस पाई माइनस में कॉस जीरो, चलो दिखाऊं मैं, तो ये माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक बार कॉस पाई और एक बार ये कितना हो जाएगा कॉस जीरो। सही है, आगे तो खुद रखो यार, कॉस पाई साइन पाई जो भी है मजे से मान रखिए। तो वैल्यूज रखेंगे तो आगे तुम कर सकते हो। कॉस पाई की वैल्यू जानते ही है -1, कॉस जीरो की वैल्यू जानते ही है 1, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, किसके अंदर माइनस में बाहर आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 2 gm π r² चलो मैं कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं। तो ये एफ नेट जो आएगा ये 2 gm/, ये बचेगा पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया नेट फोर्स। एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कहाँ पे होगी, ऊपर, यानी अगर यहाँ कोई पार्टिकल प्लेस करोगे कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, भगवान के पास, सीधा ऊपर ऊपर ऊपर, जो कि फोर्स ऑफ डायरेक्शन कहाँ पर है, ऊपर की। और सही है, ये एक था अपना सवाल, थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, आसान सवाल है, कर सकते हो। क्या देखा इधर ऐसे ही। अब एक छोटा सवाल होमवर्क के लिए है, वो आपको करना है, फिर आगे की कहानी अपन करेंगे कल से शुरू। क्यों करेंगे, क्योंकि इस पर जितने भी क्वेश्चन थे अधिकांश वो अपन ने कर लिए, कुछ बचेंगे तो कर लेंगे बीच में, फिर आगे अपन। चलो क्वेश्चंस बना देता हूँ, सेम ये का ये क्वेश्चन है, कोई खास ऐसा नहीं है। ये इस तरह का अपने पास एक, ये इसकी रेडियस है कितनी आर, यहां से लेकर यहां तक ये मास है अपने पास एम, यहां पर एम डैश कितना 1 kg का मास प्लेस है, तो क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स एट द सेंटर। सही है, तो केंद्र पर आकर्षण बल क्या करना है ज्ञात करो, बिल्कुल इसी की तरह है, कोशिश करिए, समझ गए होंगे एलिमेंटली क्या। सही है, तो करिए, फिर मिलते हैं अपन कल आगे अपनी कहानी के ऊपर। बाय बाय।